नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारती आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। सिटी कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आज यहां सिटी कोतवाली पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया, जिनसे 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सिटी कोतवाली टीआई विवेक अस्टाना ने बताया कि वे लगातार चोरी होने वाली मोटरसाइकिलों का सीसीटीवी फुटेज हासिल कर रहे थे, साथ ही उन्हीं फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश भी कर रहे थे, जिसमें अब जाकर उन्हें सफलता मिल पाई है। साथ ही उक्त चोरों के संबंध में पूरी जानकारी सीएसपी श्रद्धा जोशी ने डिजियाना न्यूज को उपलब्ध कराई। और चोर गिरफ्तार किए, क्या है पूरा? कोतवाली पुलिस के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया, जिसमें कि जो चोरी जा रही मोटरसाइकिल, उसमें एक बदमाश आरोपी महेश भील चाचौड़ा निवासी है, उसको फुटेज के आधार पर रंगे हाथों पकड़ा गया है। और उसी के पूछताछ में ही पूर्व का एक अपराधी है गोलू सेन, जो कि न्यायालय के आदेश से जेल में बंद था, उसकी रिमांड ली जाकर उसके द्वारा भी मोटरसाइकिल का पता लगाया गया। और दोनों के द्वारा बताने पर 7 मोटरसाइकिल्स बरामद किए, जिसमें से 6 मोटरसाइकिल कोतवाली की है और एक मोटरसाइकिल गंजवासों का की है, जिसमें कि अपराध क्रमांक वगैरह ज्ञात हो चुका है। आरोपी कितने पकड़े हुए हैं इसमें? 2 आरोपी पकड़े हुए हैं, इसमें एक महेश भील है और एक गोलू सेन है। पहले भी इन पे कोई अपराध दर्ज है गाड़ी चोरी के? इस संबंध में है, गोलू सेन पे भी अपराध है और इस संबंध में और जानकारी। कौन सी टीम लगाई गई इसमें? टीआई अस्थाना भी थे और उनके साथ में उमेश यादव सहित अन्य सदस्य कोतवाली के थे, जिनकी एक टीम बनाई गई। अभी ऐसी कोई विशेष टीम गाड़ी चोरी हीरो अंडा की सबसे ज्यादा जाती है क्या, कबाड़े पे कटती है? मैम, इस तरीके से कुछ इस संबंध में और जानकारी ली जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में ये जो चोरी गई मोटरसाइकिल्स हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में इनके द्वारा दी जा रही है, उस संबंध में और अभी जानकारी ली जा रही है। इन लोगों के फोटो जैसे कहीं चस्पा थानों पे कर दिए जाए या चिपका दिए जाए शहर में? इस संबंध में पूरी कार्रवाई हो रही है कि इनसे और अभी पूछताछ होगी और उसमें और भी जो नाम आएंगे उन सहित सारी जो ये कार्रवाई है चस्पा करने की, वो भी की जाएगी। थैंक यू। बजरंगल के स्थानीय बीटीआई में प्राइवेट स्कूल संचालकों की एक मीटिंग रखी गई। उक्त मीटिंग का आयोजन बीआरसीसी के तत्वावधान में रखा गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों के एडमिशन संबंधी कई जानकारियां यहां प्राइवेट स्कूल संचालकों को उपलब्ध कराई गई। इस बैठक में शहर भर के लगभग आधा सैकड़ा प्राइवेट स्कूल संचालकों ने भाग लिया। इस क्लिक करने पर आधार में दस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ रहा है। मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से आधार से ही आधार का संस्थापन किया जा सकता है। यदि आधार में दस मोबाइल नंबर बदल दिया जाए और आधार का अंतर करने की प्रक्रिया से मोबाइल नंबर का चढ़ाया जा सकता है तो ही उसको कैसे ठीक होना। अब यहाँ पर जो आ रहा है आपका इस मेन्यू में, यहाँ पर आपको सिर्फ वो बच्चे दिखेंगे जिनका आधार नंबर लगा हो, ये जानना है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा प्रश्न आई है बाद में। साहब मुझे 25 बच्चे हो ये दिख भी रहे हैं, मेरे साथ 25 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, बड़े ज्यादा दिख रहे हैं, तो आप हमसे ये देखना उनका आधार नंबर कितना तो पड़े सिर्फ वही। संत श्री गाड़गे जी महाराज की 61वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय धोबी महासभा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शासकीय जिला चिकित्सालय में स्वल्पाहार वितरण किया गया, जिसमें समाजजनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जिला अस्पताल के विभिन्न विभागों में जाकर मरीजों को बिस्किट के पैकेट वितरित किए। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत में स्वच्छता के जनक संत श्री गाड़गे जी महाराज हैं एवं आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी समाजजन उनके आदेशों पर चलते हुए उन्हें स्मरण करते हैं। इस अवसर पर संगठन के जिलाध्यक्ष नारायण लाल रजक, वरिष्ठ नेता मोहन रजक, नरेंद्र नोनेरिया एवं युवा जिलाध्यक्ष मनीष रजक सहित सभी पदाधिकारी व समाजजन उपस्थित रहे।
चाहता हूँ हमारे पास आए। आज हमारे रजक समाज के स्वच्छता के जनक संत श्री गाड़गे जी महाराज की 61वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गुना जिले के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में और सभी समाज बंधुओं के साथ जिला चिकित्सालय में सभी मरीजों को बिस्किट के पैकेट वितरण किए गए। बाबा जी को आज उनकी 61वीं पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण पर उनको समाज द्वारा याद किया गया और सब लोगों ने मिलकर आज मरीजों की सेवा की। समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में किया गया विरोध प्रदर्शन। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए प्रशासन का ध्यान जन समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक 11 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी गुना इकाई के समस्त कार्यकर्ताओं सहित समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी संख्या में आमजन ने इकट्ठा होकर यहाँ इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। तुमने कुछ नहीं दिया, वही अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने कहा कि सूखा में पलायन की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, सरकार तुम्हारे साथ है। 30 किलो गेहूं, 20 किलो चावल, 5 किलो घी, 5 किलो तेल और 5 किलो दूध का डिब्बा, जब तक सूखा रहेगा ये पैकेज तुम्हारे घर में जाता रहेगा, तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। और इनके बड़े बड़े नेता महुआ में जाके भाषण देते हैं कि हमने ये किया किसानों के लिए, वो किया, किसान बहुत दुखी है, पीड़ित है, कर्मचारी वर्ग आंदोलित है, दबाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष भी मजबूत नहीं है। लेकिन पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपके तरफ गौ हमारी मां, लेना चाहूंगा 3rd डिवीजन पास होने के लिए, लेकिन वो 150 सीटें कहाँ गई और कैसे लापता हो गई, और आपके विरोध में जो विपक्षी पार्टी खड़ी थी वो ऊपर कैसे आ गई, ये सारी बातें हम लोग आपसे करेंगे। आज समाजवादी पार्टी गुना ने एक धरना प्रदर्शन करके गुना सहित मध्य प्रदेश की तमाम सारी जन समस्याओं को लेकर 11 सूत्रीय मांग पत्र हम राज्यपाल के नाम पे देंगे गुना कलेक्टर द्वारा। साथ ही न्याना के अंदर जो नगर पंचायत बनाने की 2008 में शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी थी वो आज तक अमल में नहीं आई है, कुल मिलाकर झूठी घोषणा साबित हो रही है। हमारा ये मांग है कि न्याना को नगर पंचायत बनाई जाए। साथ ही आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्थिति यह है कि लोगों को 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ा है पीने के लिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली के अंदर लगातार लोगों के ऊपर परेशानी आ रही है और उसके बिजली के करंट मारने वाले बिल दिए जा रहे हैं लेकिन बिजली की सप्लाई नहीं मिल रही है।
मध्य प्रदेश ठेका एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन गुना के तत्वावधान में आज एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसके उपरांत जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस ज्ञापन के जरिए मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया। वहीं इस ज्ञापन के माध्यम से यूनियन ने अपनी प्रमुख मांगे प्रशासन के समक्ष रखी, जिनमें मुख्य मांगे न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने, समान कार्य का समान वेतन देने, मजदूरों को एकत्रित होने के लिए प्रतीक्षालय बनाने, महिला एवं पुरुष को समान मजदूरी देने, मजदूरी कार्ड बनाने को सरलीकरण करने व निर्माण मजदूरों के बच्चों का सर्वोदय विद्यालय खोले जाने के संबंध में आज यह ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रमिक मजदूर यहाँ उपस्थित रहे। न्यूनतम वेतन साथियों, रास्ता ले लीजिए थोड़ा सा, मैं आग्रह कर रहा हूँ साथियों इकट्ठा हुए हैं। मैं ज्ञापन पत्र बना रहा हूँ श्रीमान शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, ये स्वीकार है कि आपके निर्माण मजदूरों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही है, जिसमें आम निर्माण मजदूरों के उत्थान मैं आग्रह कर रहा हूँ ये जो नगर पालिका से विजय होते हैं उसका मैं अभी एक अथॉरिटी हूँ, तो यदि किसी का चाहे तो वो मेरे यहाँ अपील करेगा, तो अपील करने के लिए बता आप देख रहे हैं ये पूरे के पूरे लोग जो जयस्तम चौराहे पे खड़े होते हैं निर्माण श्रमिक के रूप में है, आज जिला प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आए। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर जो है एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है कम से कम 3 लाख लोग हैं जो मजदूर हैं और 37,000 मात्र के निर्माण कार्ड बने हैं। इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि राज्य शासन की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं को कितना ये पलीता लगा रहे हैं। यानी यहाँ पर कम से कम 3 लाख जो है सागर में, ग्वालियर में 5-5 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं और इनकी योजना लागू हो गई हैं। लोगों को शिक्षावृत्ति मिल रही है, उनको एक्सीडेंटल क्लेम मिल रहे हैं, उनको छात्रों को स्कूल जाने के लिए सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन यहाँ गुना में जो 37,000 लोगों के कार्ड बने हैं उनको कोई सुविधा यहाँ अभी तक नहीं दी है जिला प्रशासन ने। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि जिला प्रशासन जानबूझकर इन गरीबों के, इन निर्माण मजदूरों के जो योजनाएं हैं उनको ठीक से नहीं लगा रही हैं। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि उनको ठीक से काम करें, नहीं आने वाले चुनाव में शिवराज सिंह जी के नाम से जो हमने ज्ञापन दिया है निश्चित तौर पर इसका असर इनकी पार्टी को पड़ेगा। विगत रात्रि पुरानी छावनी में मोटरसाइकिल को रास्ते से निकालने को लेकर 2 लोगों में कहासुनी हो गई थी, जिसने अचानक मारपीट का रूप ले लिया, जिसके बाद तरह तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई व सिटी कोतवाली टीआई विवेक अस्थाना ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए माहौल को शांत करवाया एवं उक्त घटना में घायल युवक को तुरंत उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भिजवाया। वहीं इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की गई। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, पुरानी छावनी में यहाँ पर अपन लोग खड़े हुए हैं, यहाँ मोटरसाइकिल निकालने के ऊपर से 2 लड़कों का आपस में बातचीत हो गई थी, तो उसमें कोई ऐसी खास एकाध व्यक्ति की चोट है, एक आमीन करके लड़के के थोड़ी चोट है, तो उसको इलाज वहाँ पर भेजा है मेडिकल परीक्षण के लिए और रिपोर्ट पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। अखिल भारतीय नौजवान सभा ने शुरू किया अपना जिला स्तरीय कार्यालय। यह कार्यालय भुजरिया तालाब के सामने शुरू किया गया, जिसका आज यहां शुभारंभ हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में अखिल भारतीय नौजवान सभा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही अखिल भारतीय नौजवान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोहर मेरोठा ने डीजीएनए न्यूज को अखिल भारतीय नौजवान सभा के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से अवगत कराया।
अखिल भारतीय नौजवान सभा ये देशव्यापी संगठन है जिसकी ये ब्रांच का ऑफिस यहाँ पर हमने खोला है और इसके पहले भी नौजवान सभा काम करती रही है, लेकिन अभी कुछ समय पहले जिला सम्मेलन हुआ जिसमें हमारे दो पदाधिकारी एक टीम के चुने गए जिसमें शिव रघुवंशी जिलाध्यक्ष हैं और सुनील कुशवाहा इसके महासचिव। इस ऑफिस का खोलने का हमारा मकसद ये है कि जो बेरोजगार नौजवान हैं आज अलग अलग दिशाओं में और ऐसी गलत दिशाओं में जा रहे हैं, तो हम यहाँ ऑफिस पर उन नौजवानों को सब जगह हम कोशिश करेंगे कि आज लोग यहाँ आए और हम उनको एक कन्वेंसर के रूप में भी हम उनसे बात करेंगे कि किस दिशा में हमें जाना चाहिए, किस दिशा में। डीजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।